लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती जिस तरह से समाजवादी पार्टी और उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव पर एक के बाद एक हमले कर रही हैं, जिससे सपा का खेमा भड़का हुआ है। अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर पार्टी नेताओं को किसी भी तरह की बयानबाजी करने से रोक रखा है, जिसके चलते सपा नेता बसपा और मायावती के खिलाफ अपनी भड़ास को दबाए रखने पर मजबूर हैं। लेकिन अंदर खाने माया से मिले धोखे का बदला लेने का ब्लूप्रिंट भी तैयार किया जा रहा है, जिसमें कोशिश माया के वोट बैंक में सेंधमारी की है, जिसे अखिलेश यादव संपर्क और संवाद के फॉर्मूले से अंजाम देना चाहते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा के गठबंधन कर चुनावी मैदान में उतरने से सबसे ज्यादा फायदे में मायावती रही, जिसमें बसपा प्रदेश में 0 से 10 सीटों पर पहुंच गई और उसका वोट बैंक भी पिछले चुनाव की तरह जस का तस बना रहा। वहीं अखिलेश यादव गठबंधन में अपनी सियासी जमा पूंजी लुटा बैठे और उनके वोट 3% तक घट गए। सपा पिछले चुनाव की तरह 5 सीटें तो जीत गई, लेकिन उसके अपने ही मजबूत गढ़ कन्नौज में डिंपल यादव, बदायूं में धर्मेंद्र यादव और फिरोजाबाद में अक्षय यादव हार गए। साथ ही आपको बता दें कि मायावती के आरोपों पर सपा के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी कहते हैं कि अखिलेश यादव का चरित्र किसी को धोखा देने वाला नहीं है और लोकसभा चुनाव में सपा ने पूरी ईमानदारी से गठबंधन धर्म निभाया है। इसके बावजूद भी मायावती ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ दिया और उपचुनाव में अकेले लड़ने का ऐलान किया। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि पल पल की खबरों के अपडेट्स आपको मिलते रहें। अभिषेक माथुर, पंजाब केसरी, दिल्ली।